कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते हैं जहां देश भर में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर जनसेवा और हर जगह जनता को पूरी तरह इसमें सुविधा दी जाए, उनको उपलब्ध कराई जाए। और जहाँ पर भी राशन पानी की कहीं पर भी परेशानी जनता को मिल रही है, और जहाँ भी कहीं मेडिकल केसेस को लेकर, जहाँ कहीं एम्बुलेंस का वक्त पर आने का नहीं हो रहा है, उसको लेकर भी पूरी तरह सुविधा प्रोवाइड कराने का, उपलब्ध कराने का पूरी जिम्मेदारी बनती है, जिसको लेकर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं देहरादून, राजधानी देहरादून में कंट्रोल रूम 112 के अंदर, जहाँ पुलिस प्रशासन पूरे प्रदेश भर से जनता की परेशानियों को सुनकर उनका उन उनकी उनको पूरी तरह समाधान निकालने का पूरा प्रयास कर रही है, और पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता को हर प्रत्येक सुविधा उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास में है। तो इस बात को लेकर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ कंट्रोल रूम से ASP यानी कि एडिशनल SP हमारे साथ मौजूद हैं, वेदपाल नेगी जी, जिनसे आज हम इन मुद्दों को लेकर जो किस तरह की सुविधाएं बतौर जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं, और कोरोना वायरस के केसेस को लेकर लगातार उनको किस तरह के फ़ोन आए हैं, और इस पर अब तक किस तरह की कार्रवाई चल रही है, उस बात को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे। SP साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज़ में। सर, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आखिर कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते आपको किस तरह के अभी तक कुल मिलाकर कंट्रोल रूम में किस तरह के कॉल्स आए हैं, और उनमें अब तक किन किन लोगों तक पूरी तरह मदद पहुंचा दी गई है, और कौन में अभी तक काम चल रहा है? अगर हम देखें तो जैसे 22 तारीख को कर्फ्यू लगा था, जनता कर्फ्यू, उसके बाद 23 से यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था 25 तक, और उसके बाद फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन हुआ था 14 तारीख तक का। तो पहले जो कॉल आती थी हमारे पास, तो लगभग 4,500 या 5,000 कॉल आती थी पर डे, उसमें से 500-600 कॉलें एक्शनेबल होती थी। लेकिन 23 के बाद और आज तक का रिकॉर्ड ये है कि करीब एक्शनेबल कॉल ही जो कोरोना से संबंधित हैं, हमने कोरोना को कई उसमें बांटा है, एक तो कोई सस्पेक्ट है, या इस जो लॉकडाउन हुआ है इस टाइम किसी को कोई भी दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, या किसी पर LPG गैस नहीं है, या कोई भी और भी परेशानियां हैं, ग्रॉसरी है, फूड पैकेट्स हैं, जो मजदूर जा रहे हैं उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे कॉल आ रही हैं। और लगातार हमारा कंट्रोल रूम जो है, कोई भी कॉल टेकर हमारा चुपचाप नहीं बैठा है, लगातार कॉल आ रही हैं। तो उनको हम संबंधित जनपद के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर हैं वहाँ पर भेज रहे हैं, फिर वहाँ से उनको सुविधा, उनको जो परेशानी है उसकी दूर की जा रही है। इसमें ज़्यादातर जो केसेज हैं फूड पैकेट के, जैसे 8,536 में से 2,555 केसेज जो हैं वो फूड पैकेट्स के बारे में, तो जैसे मजदूर हैं या कोई जिनको खाना नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो लगभग हम सभी को सारी सूचनाएं हम संबंधित जो NGOs हैं, हमने ग्रुप बनाया यहाँ पे, NGOs हैं, DSO है, और भी जो पर्सनल कोई अगर किसकी सेवा करना चाह रहा है, स्वयं वित्तीय संस्थाएँ हैं, NGOs है, उनका एक ग्रुप बना रखा है, उन्हें हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, उनको हम फ़ोन से बताते हैं, और उनको पूरे पूरा लगभग सभी को सहायता पहुंच रही है, और उसकी हमने ग्रुप में उसकी सूचना भी मंगा रहे हैं हम लोग उस ग्रुप में कि कितने लोगों को आपने सहायता पहुंचाई है। उसके अलावा कोई सस्पेक्ट है, अगर कोई किसी मोहल्ले में कोई नया आदमी आ रहा है या कोई विदेश से आ रहा है, तो पब्लिक वाले बता रहे हैं यहाँ पर कि साहब ये सस्पेक्टेड है, उसका भी हमने एक यहाँ पर एक कैटेगरी बना रखी है। तो वो कैटेगरी अभी तक जैसे हम इसमें कहें कि सस्पेक्ट में पिछले 112 कॉल आई हैं 23 तारीख से एक तक की, लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि साहब ये बाहर से आया है और ये सस्पेक्टेड लग रहा है कि इसकी मतलब इसकी हमको कोरोना फैला सकता है, तो वो फिर उसको जाके मेडिकल टीम है उसको जाके चेक कर रही है। ASP साहब, इसके साथ अगर बात करें अभी NGOs के मामले में, जैसे आपने भी बताया, तो अभी हाल ही में ये कानून निकला है कि अब NGO और बाकी संस्थाएं किसी भी तरह अब लोगों को ये खाना और राशन की सुविधा प्रोवाइड नहीं कराएंगी, उनको उपलब्ध नहीं कराएगी। अब वही काम अब पुलिस प्रशासन को सौंपा गया है कि जगह जगह के थानों में राशन पानी उनके आसपास के इलाकों में पूरी तरह उपलब्ध कराने की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन की किस तरह की तैयारी चल रही है? इस संबंध में जो आदेश आया है वो एक्चुअली प्रत्येक जनपद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके लिए ऑथराइज हैं ऑर्डर करने के लिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट देहरादून का उनका DM साहब का आया था कि अब आप यहाँ आइए, उनकी बाइट आई थी, और थानों के माध्यम से हम बांटेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काउस हो रहा होगा, या एक आदमी को तीन तीन समूह वाले सामान दे रहे होंगे और किसके पास नहीं भी पहुँच रहा होगा, ये भी संभावना है। इसीलिए उन्होंने थानों के थ्रू
और लोगों को चिन्हित करते हुए ये शायद ये वाली व्यवस्था की हो। बात करें अगर आपके प्रशासन की, तो जहां एक तरफ आपका प्रशासन पूरे मुस्तैदी से काम कर रहा है और लगातार यहां पर जनता की सारी परेशानी और तकलीफ़ों को सुनकर उनका समाधान निकालने की पूरी प्रयास कर रहा है, तो उनके अगर शिफ्ट की बात की जाए तो आपके प्रशासन में अफसरों की शिफ्ट आखिर किस तरह रखी गई है और पहले से उनमें किस तरह का बदलाव किए गए हैं? देखिए, प्रशासन में तो इस समय अगर मैं इस कंट्रोल में बात करूँ तो यहाँ तो हमारा 24 घंटे चलता है 24/7। बाकी जो जनपदीय अधिकारी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, DSO हैं, हमारे पुलिस के एडिशनल SP हैं, SSP हैं और COs हैं और SOs हैं, वो तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनका 24 घंटे का है वो, उसमें ये नहीं कि हाँ जो कांस्टेबल्स वगैरह हैं उनका 8-8 घंटे ड्यूटी है, जहाँ पर उनका बैरियर पर लगा है उनके 8-8 घंटे ड्यूटी रहती है। बाकी ऑफिसर्स हमेशा ऑन ड्यूटी हैं, जो स्पेशल सर्विसेज हैं, जैसे फूड है आपका और ये पुलिस विभाग है, प्रशासन है, इनकी सभी ड्यूटियाँ लगातार हैं और हम इनसे लगातार संपर्क में भी हैं, हमारा कंट्रोल रूम संपर्क में है। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हम सीधे अधिकारियों से बात करते हैं हमारे यहाँ से, कंट्रोल रूम से प्रभारी लोग, और जो जिनको आवश्यकता है उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाती है। बात की जाए अगर आपके प्रशासन की, जिसमें आपने कहा जो खास तौर पे खाने का काम, जिन्हें पूरी सामग्री पहुंचाने का काम जिन्हें दिया गया, वो 24 घंटे ड्यूटी पर हैं, तो आखिर उनके बीच में आकर उनके उनको किसी तरह ब्रेक दिया जा रहा है और उनके उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है? आखिर वो सब जगह खाना पहुँचा रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी को लेकर किस तरह की सुविधा उन्हें प्रोवाइड की गई है? किस तरह की सुविधा उन्हें खास तौर पर जहाँ वो जा रहे हैं इलाकों में उन्हें सामान पकड़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर उन्हें सेफ्टी के लिए किस तरह की सुविधा दी गई है? क्या वो मास्क और ग्लव्स हो गए, तो आखिर किस तरह का सामान उन्हें दिया गया? हाँ, उन्हें सबको मास्क दिया गया है, जो भी पुलिस के हमारे प्रशासन के लोग हैं उन्हें सबको मास्क और सैनिटाइज़र उनको सभी दिए गए हैं, और समय समय पर उनको ये कहा गया है कि खाना देने के साथ साथ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए और कोई ऐसी घटना ना हो कि कहीं कोई सस्पेक्ट हो और उसके आप टच में आएँ और आप बीमार हो जाएँ। तो उन्हें इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि आप लोग ड्यूटी में हैं 24 घंटे, विशेष तरह से SOs वगैरह जो कर्मचारियों तो रोटेशन लग जाते हैं, लेकिन जो SOs हैं, COs हैं, इनको ये कहा गया है कि आप अपने भी ख्याल करें, अपना मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह लेके चलें और तभी इसका ये सुविधा उनको दें लोगों को, बिना उसके मत जाएं। अभी जिस तरह अभी आपकी हेल्पलाइन नंबर से जब लोगों की परेशानी जब सुनी जा रही, तो उसके बीच में कोई ऐसा केस आया है जो आमतौर पर वो झूठी अफवाह के तौर पर आया गया हो और उसमें कह रहे हैं, उसमें उनका कहा गया है कि उनका कहना है कि मेरे घर पे राशन है नहीं, लेकिन फिर भी जब तहकीकात के तौर पे पता लगा हो तो वहाँ पर उसके घर पे राशन बतौर मिला गया है और उसने और सिर्फ संदिग्ध सिर्फ और राशन पाने के मामले पर लेकर उन्होंने दोबारा कॉल कराओ? हाँ, अभी एक केस आया है, रायपुर थाने का है, वहाँ पर किसी व्यक्ति ने ये कहा कि साहब मेरे घर में राशन नहीं है, तो हमने SO को बताया रायपुर को, वो वहाँ पे राशन लेके गए तो उसके यहाँ ऑलरेडी राशन था, तो उसके खिलाफ़ उन्होंने फिर जो उचित धाराएं हैं उसके उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेदपाल जी। तो ये थे हमारे साथ वेदपाल सिंह नेगी जी, कंट्रोल रूम के ASP, जिन्होंने हमें बतौर रूप से हमें बताया कि किस तरह पुलिस प्रशासन लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लगातार इस जंग में जनता के साथ खड़े होकर मुस्तैदी से अपना फ़र्ज निभा रहा है और बतौर जनता को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जो प्रदेश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है उसमें किसी तरह जनता को बिना किसी तकलीफ के बतौर राशन उपलब्ध कराया जाए और उनकी सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मानव डोभाल।